अगर आपको प्रेम चाहिए, अगर आपको सम्मान चाहिए, अगर आपको उन्नति चाहिए और हर हाल में आपको जीत चाहिए, तो अक्षय तृतीया पर दो चार बातों को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। इस बार की अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत विशेष होने वाली है। आज अक्षय तृतीया के संदर्भ में कुछ बातें आपको बताना बहुत आवश्यक होगा। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया मनाई कब जा रही है? अक्षय तृतीया है 3 मई 2022 को। अक्षय तृतीया क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या होता क्या है इस दिन, इसका क्या महत्व है? अक्षय तृतीया वैशाख मास का सबसे पवित्र, पावन और पुण्यार्जन करने वाला बड़ा पर्व है। ये वो दिन है जिस दिन से सारे के सारे युगों की गणना प्रारंभ होती है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, सारे के सारे दिनों की गणना इसी दिन से शुरू होती है। ये वही दिन है पुराणों में जिस दिनों में 24 अवतारों में से छठा अवतार बाबा परशुराम जी का, भगवान परशुराम जी का जन्म भी हुआ था। इस पर बड़ी भ्रांति है, कुछ कुछ और कहते, पर शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मत्स्य पुराण का उपाख्यान है। अक्षय तृतीया बेसिकली जो नाम है वो है अक्षय, कहते हैं जिसका छह ना हो, जो समाप्त नहीं हो, वृद्धि के लिए अक्षय बोला जाता है। अक्षय हमेशा श्रेष्ठता को बोलते हैं, विद्वता को बोलते हैं। आज के दिन दुनिया के किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज के दिन अगर धन बढ़ाया जाए तो संपत्ति में वृद्धि होती है। दान करना, पुण्य करना, जप तप करना, यज्ञादिक काम करना आज के दिन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कर माना जाता है और कई हजार गुना ज्यादा उसका फल मिलता है। आज के दिन जो भी आप सत्कर्म करते हो, आज के दिन जो भी आप शुभ कार्य करते हो, आज के दिन जो भी आप अच्छे कर्म करते हो, उन सब चीजों में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कस्कुट, आठ की आठों धातुएं, इनमें से जो भी आप श्रद्धा सामर्थ्य के अनुकूल खरीद सके आपको खरीदना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है। भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, यानी धातुओं में स्वर्ण मैं हूँ। इसलिए आज के दिन अगर श्रद्धा सामर्थ्य हो तो स्वर्ण खरीदने से आपके लिए अधिक धन की और वैभव की व्यवस्था मजबूत होती है। ऐसी मान्यता है कि आपके घर में धन और वैभव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उदया तिथि 3 तारीख को ही मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया इस बार बहुत लंबे समय के बाद आ रही है। ये कैलकुलेशन, ये दिन, ये तारीख, ये व्यवस्था अपने आप में बहुत सारी चीजों का संरचन कर रही है। पूरी की पूरी गणना, पूरा का पूरा निर्माण आपके पक्ष में है। अक्षय का मतलब है किसी भी चीज का क्षय ना होना। अगर तुम्हारा प्यार बार बार टूट रहा है, तुम्हारा प्यार टूट चुका है, रिश्ता खराब हो चुका है, तो अक्षय तृतीया के दिन ये उपाय करें, आपको तत्काल बेनिफिट होगा। आज के दिन थोड़ा सा सिंदूर अगर आप माता तुलसी को चढ़ाते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी होगी और आपका प्यार आपको वापस मिले। अक्षय तृतीया आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को अक्षय करें, आपके प्रेम को भी अक्षय करें, ऐसी शुभकामनाएं।